मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, जो भी कांग्रेस में महिलाएं हैं, जो भी यूथ हैं, वो सभी बहुत खुश हैं और पार्टी में एक नया जोश आ चुका है और हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस बदलाव का। और हम लोग ये चाहते हैं कि एक महिला जिस तरह से हमारे जो हमारी पार्टी है वो महिलाओं का हमेशा सम्मान करती हुई आई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले देश के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का। लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में उतरें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज विशेष तौर से एक अच्छा संदेश गया है नौजवानों में, युवाओं में और महिलाओं में। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध रही है और खास तौर से महिलाओं में एक विशेष संदेश जा रहा है। और निश्चित तौर से भविष्य में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और श्री राहुल गांधी जी इस देश के सबसे नौजवान और सच के साथ चलने वाले किसान मसीहा प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी ईस्ट की प्रभारी बनाए जाने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत जोरदार उत्साह बढ़ गया कार्यकर्ताओं में, नौजवानों में बहुत तगड़ा उत्साह हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में जो उत्साह, नई ऊर्जा आई है, ये समझ लीजिए कि आ गई है प्रियंका, अब जला देंगे लंका। उत्तर प्रदेश की सत्ता से करीब 3 दशक से बाहर कांग्रेस, अब आज कांग्रेस में उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी बनाई गई है। प्रियंका गांधी के जिम्मे यूपी ईस्ट का प्रभारी का भी दायित्व सौंपा गया है। अब लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस इससे उबर पाएगी, जो पीछे थी कांग्रेस अब वो दौड़ेगी और प्रियंका गांधी कांग्रेस का जो नैया है वो पार लगाएंगी। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।